अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आपको बताते चलें कि सऊदी प्रोसिक्यूशन की जमाल खशोगजी कातल केस में अहम फैसला सामने आ गया है। सऊदी सहाफी जमाल खशोगजी के कातल में मुलविस 5 अफराद को सजाए मौत सुना दी गई है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने फैसला सुना दिया है। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं, ये कहा गया है तर्जमान सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से। खबर दे रखे हैं आपको रियाद से, सऊदी प्रोसिक्यूशन की जमाल खशोगजी कातल केस में अहम फैसला। सऊदी सहाफी जमाल खशोगजी के कातल में मुलविस 5 अफराद को सजाए मौत सुना दी गई है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने फैसला सुना दिया है और कहा गया है कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि सऊदी प्रोसिक्यूशन की जमाल खशोगजी केस में जो अहम फैसला है वो सुना दिया गया है। सऊदी सहाफी जमाल खशोगजी के कत्ल में मुलविस 5 अफराद को सजाए मौत सुना दी गई है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने यह फैसला सुनाया है और ये कहा गया है कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको रियाद से, जहां पर सऊदी प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमाल खशोगजी कत्ल केस में अहम फैसला सुना दिया गया है। आर्मी चीफ से जापान के वजीर आजम के मशीर की मुलाकात हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। मुलाकात में अमन के लिए पाकिस्तान और जापान की कोशिशों के मजीद फरोग पर इत्तफाक किया गया है। इसके साथ साथ जापानी वजीर आजम के मशीर ने खित्ते में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को भी तस्लीम किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी है। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हैं। CCI की सालाना रिपोर्ट 2016 और 17 मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। सूबों को पानी के खालिस मुनाफे पर अमल दरामद के फार्मूले पर बहस होगी। इजलास में पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के तरमीमी मसौदे की मंजूरी का भी इम्कान है। हवेली शाह बहादुर और ब्लॉकी पावर प्लांट्स की निजकारी की समरी भी मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेश होगी। आपको बताएं कि शाहीनों की ऊंची उड़ान कराची टेस्ट, पाकिस्तान ने श्रीलंका को 263 रन से शिकस्त दे दी है। 474 रन के हदफ के ताकुब में आईलैंडर्स 212 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर 13 साल बाद फतह समेटी। पाकिस्तान ने 2006 के बाद अपनी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच जीता। नसीम शाह की शानदार बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बताएं कि नसीम शाह की शानदार बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए। बॉलिंग कोच वकार यूनिस की 5 विकेट हासिल करने पर नसीम शाह को मुबारकबाद। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास की फॉर्म भी बेहतर हुई है। वकार यूनिस का कहना था कि होम ग्राउंड पर मजीद टेस्ट मैचेस खेलना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि श्रीलंका के खिलाफ शानदार कामयाबी समेटने पर कौमी टीम की बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी टीम की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। श्रीलंका के खिलाफ शानदार कामयाबी समेटने के बाद बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने अपनी नई ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वकार यूनिस कहते हैं, कुछ भी हो घर घर होता है, होम ग्राउंड पर मजीद मैच भी खेलना चाहते हैं। बेहतरीन कारकर्दगी पर आबिद अली को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो मेहनत की उसका सिला मिला। आबिद अली कहते हैं कि मैं बहुत पुरएतमाद था, मस्बत सोच के साथ आया, इसीलिए कामयाबी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली कहते हैं, श्रीलंकन टीम और बोर्ड का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। शान मसूद और आबिद अली ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली है। नसीम शाह ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, हमें इस जीत की बहुत जरूरत थी। उनका मजीद कहना है कि होम कंडीशंस में खेलने में बहुत मजा आया, परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है। ये कहा गया है कप्तान अजहर अली की जानिब से।
so much talent in these youngsters. Obviously, experience will come by time, but I think they have the strides they are taking, and they're learning the art of bowling very quickly. And they are the best bowlers at the moment in Pakistan. So I think we have to back them, and they are bringing the performances. I think when we got out when on 91, I think it was special efforts from the fast bowlers. I think Abbas came back to his own, and then Shaheen Shah kept asking for the ball and got 5 wickets. And then it was a special bowling performance which kept us in the game, and then special batting performances from all the centurions. Especially the tone was rightly set by the openers, Abid Ali and Shaan Masood. I think that partnership, I think, took the game away from Sri Lanka, and I think you can't praise enough that partnership. And I know centuries are very important, but I think the first inning also we were under pressure when Babar and Asad got 50s. हम वापस आएंगे आसान ब्रेक के बाद साथ ही अटक से खबर शामिल करेंगे. आपको बताते चलें कि घोड़ामार गांव में लकड़ियां काटने वाली 3 खवातीन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है. नामालूम शख्स के हमले में 2 खवातीन जान बहक और 1 शदीद जख्मी हो गईं. खवातीन जंगल में लकड़ियां काट रही थीं कि नामालूम शख्स ने उन पर हमला कर दिया. रेस्क्यू अहलकारों ने जख्मी खातून और लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि नामालूम हमला आवर मौके से फरार हो गया है. अफसोसनाक खबर दे रखे हैं आपको अटक से, जहां पर घोड़ामार गांव में लकड़ियां काटने वाली 3 खवातीन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है. नामालूम शख्स के हमले में 2 खवातीन जान बहक और 1 शदीद जख्मी हो गई है. खवातीन जंगल में लकड़ियां काट रही थीं कि नामालूम शख्स ने उन पर हमला कर दिया. रेस्क्यू अहलकारों ने जख्मी खातून और लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है. मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे ताहिर निकाश से. ताहिर, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से. बिल्कुल, अटक घोड़ामार गांव में लकड़ी काटते हुए 3 खवातीन को नामालूम शख्स ने कुल्हाड़ी के वार से जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से 2 खवातीन मौके पर जान बहक हो गई और 1 शदीद जख्मी है, जिनको रेस्क्यू 112 की टीमों ने फौरी मौके पर पहुंचकर करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया और अटक पुलिस ने नामालूम हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जी शुक्रिया ताहिर निकाश. लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी. लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई. वकील ने कहा, जब तक काबीना फैसला नहीं करती, एक बार बैरूनी मुल्क जाने की इजाजत दी जाए. जिस पर अदालत ने कहा, जब तक कोई फैसला नहीं आता कैसे फैसला कर सकते हैं, जब हुकूमत का कोई फैसला आएगा तब देखेंगे. अदालत ने समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी. तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान ने कहा है कि पाकिस्तान से बीमार लंदन जाकर सेहतमंद हो जाते हैं. तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की बीमारी पर कोई सियासत नहीं की है. मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत ना देना कानून की बालादस्ती है. इस्लामाबाद में PTI रहनुमा बाबर आवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इन हाउस तब्दीली की कोई हलीम देख में नहीं. मुशरफ केस में हुकूमत आईनी रास्ता इख्तियार करेगी. मुनासिब समझा गया तो हुकूमत मुशरफ केस पर अदालत जा सकती है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने LNG केस में मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली. नून लीग के रहनुमा को 1 करोड़ रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है. LNG केस में जेरे हिरासत मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त जमानत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है. नैब की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया है कि मिफ्ता इस्माइल के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा है. गवाहों को भी धमकी दी जा रही है. चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि मिफ्ता इस्माइल को पाबंद करते हैं कि रिहाई के बाद रोजाना तफ्तीशी को फोन करेंगे. बाद अज़ां अदालत ने मिफ्ता इस्माइल की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया है.
उन्हें 5 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। जाली अकाउंट्स केस में पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की अबूरी जमानत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस अतन मिनुल्ला और जस्टिस लुबना सलीम परवेज ने की है। अदालत ने शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी से रोकते हुए नायब को नोटिस जारी कर दिया। शर्जील मेमन को अबूरी जमानत की एवज 5 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया, जबकि नायब से अगली समाअत पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने आज बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में पहले केस की समाअत की है। जस्टिस गुलजार अहमद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद आज पहले केस की समाअत की। केस पंजाब के पटवारी की बरतरफी से मुतालिक था। केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने पटवारी मोहम्मद नवाज की बरतरफी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि समाअत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद नवाज का तो मामला साबित है, उसने अदालती हुक्म के बरखिलाफ काम किया और मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया गया है। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल ने कहा है कि फरवरी तक नुमाइश चौरंगी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का अंडरग्राउंड रास्ता मुकम्मल हो रहा है। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबा ताहिर का शिकार नहीं हुआ। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 7 फरवरी तक मौका दें। ग्रीन लाइन बस मंसूबे में विफाक का काम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना था। ग्रीन लाइन बस में विफाक ने अपना काम पूरा कर लिया। इमरान इस्माइल का कहना था कि सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन चलाने के लिए विफाक से राबता किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात खुशाइंद है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी शिकायत लगाना चाहता है जरूर लगाए, मुझे सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन का 141वां रोज। मकबूजा वादी में जिंदगी जहन्नम। घरों में कैद कश्मीरियों का दुनिया से राबिता मुनकता। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। मुसलसल भारतीय मुजालिम सहते निहत्ते अवाम आर्मी तवज्जो के मुंतजर। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन का 140वां रोज है, जबकि वादी में अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत बरकरार है। वादी कश्मीर में भारत की तरफ से मुसलत करदा गैर इंसानी लॉकडाउन और मवासिलाती बंदिश के बायस मुसलसल 141वें रोज भी मामूलाती जिंदगी बदस्तूर मफलूज है। सड़कें सुनसान, वादी में दुकानें कारोबार तालीमी इदारे बंद और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मोदी सरकार के इकदाम से भारत में कशीदगी उरूज पर है। भारत के मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इकदाम का कोई साथ नहीं दे रहा। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की गैर मामूली नकरो हरकत खतरनाक है। अमन को तहवाला करने का मंसूबा दिखाई दे रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था मुतनाज़े तरमीमी शहरियत एक्ट के खिलाफ पूरी दुनिया में भारतीय एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में शामिल लोग समझते हैं मोदी सरकार ने सेकुलर इंडिया का नजरिया दफन कर दिया है। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि दुनिया देख रही है कि मोदी फस्ताही जहनीयत के साथ भारत में हिंदुत्व के नजरिए को नाफिज करना चाहता है। मावन खुसूसी वज़ीर आज़म फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि इमरान खान के नए पाकिस्तान में तमाम अकलियतों के हकूक महफूज हैं और उन्हें तरक्की के यकसा मौके मयसर हैं। आईने पाकिस्तान उनके हकूक का ज़ामिन है। भारत में अकलियतें इम्तियाजी और मोतसबाना शहरियत के कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, जबकि भारतीय शहर मैदान जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि मोदी अपनी बदनीयती बदफितरती और चालाकी से भारत में अकलियतों पर होने वाले जुल्म जबर से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता, जबकि भारत के अवाम ने मोदी की नफरत के खिलाफ बगावत कर दी है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में महीनों से कर्फ्यू नाफिज है। कश्मीरी मुसलमानों की जिंदगियों पर मौत के पहरे हैं। इम्तियाजी शहरियत के मुतरासे कानून ने मोदी के मुसलमानों के खिलाफ नफरत की तस्दीक कर दी है और दुनिया देख रही है कि मोदी फस्ताइयत जहनीत के साथ भारत में हिंदुत्व के नजरिए को नाफिज करना चाहता है। इस्लामी ताबुन की तंजीम ओआईसी ने भारतीय शहरियत के मुतनाज़े कानून पर तश्वीश का इजहार किया है। ओआईसी की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि भारत की हालिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। भारत की मौजूदा सूरत हाल से
मुसलमान अकलियत मुतासर हो रही है। इस्लामी तआवुन की तंजीम ने बाबरी मस्जिद केस के मामले पर जारी होने वाले भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तश्वीश का इजहार करते हुए भारत से मुस्लिम अकलियतों और इस्लामी इबादतगाहों के तहफ्फुज का मुतालबा किया है। भारत में गुज़श्ता दो हफ्तों से शहरियत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं, जिसमें अब तक 30 के करीब अफराद हलाक और 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। भारतीय पुलिस शहरियत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ मुजाहरों में शरीक 7000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार भी कर चुकी है और हिंदू इंतहा पसंद इंतजामिया उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की प्रॉपर्टीज भी सेल कर रही है। चीफ एडिटर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स, चेयरमैन रोज न्यूज, सीनियर तजियाकार और प्रोग्राम सचिवात के एंकर एस के न्यासी ने रोजा अथर के कलीदी बरादर शेख नूरी मोहम्मद अली से मुलाकात की है। शेख नूरी मोहम्मद अली ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ कराई। इस्लामाबाद में चीफ एडिटर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स, चेयरमैन रोज न्यूज, सीनियर तजियाकार और प्रोग्राम सचिवात के एंकर एस के न्यासी ने रोजा अथर के कलीदी बरदार शेख नूरी मोहम्मद अली से मुलाकात की। इस मौके पर मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान एस के न्यासी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना ताल्लुकात कायम हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तानी कौम भी सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं। इस मौके पर रोजाए अथर के कलीदी बरदार शेख नूरी मोहम्मद अली ने मुस्लिम उम्मा के इतिहाद, फलस्तीन और कश्मीर की आजादी के लिए खुसूसी दुआ कराई। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन सरदार तनवीर इलियास खान भी इस मौके पर मौजूद थे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत के लिए कारकुनों ने अपनी जानों का नजराना दिया है। पाकिस्तान के जमहूरी लीडर भी सिंध से ही ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कहा कि जिसने मुल्क के लिए आइन बनाया उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसने आइन के साथ खयानत की उसे बचाने की कोशिश हो रही है। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब, 15 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने से मुतालिक ज़ेरी कमेटी की सिफारिशात पर फैसला करेगी। काबीना इक्तिसादी राबिता कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। फेडरल लैंड कमीशन के सीनियर मेंबर की तैनाती की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। फर्स्ट वुमेन बैंक के CEOs की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी और इसके साथ साथ पाक नेवी के PT में जनरल मैनेजर की डेपुटेशन पर तैनाती भी एजेंडे का हिस्सा होगी। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आज़ादी मार्च पर 10 करोड़ रुपए खराजात की मंजूरी दी गई है। ECC ज़राए के मुताबिक 10 में से 6 करोड़ कंटेनर मालिकान को अदा किए जाएंगे। धरने और लॉन्ग मार्च के खराजात के हवाले से मुस्तकिल हल निकाला जाए। हर मरतबा कंटेनर्स मालिकान को बिलावजह करोड़ों रुपए नहीं दे सकते। वफाकी वजीर शेख रशीद ने हुकूमत को कंटेनर्स खुद खरीदने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 6 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट, जबकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी गई है। बनोला पर 5% सेल्स टैक्स छूट की समरी पर असूली इत्तफाक किया गया है और इसके साथ साथ छूट के मामले पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना आइंदा इजलास में सेल्स टैक्स छूट पर रिपोर्ट भी पेश करेंगे। मौसम सरमा में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी का सिलसिला दराज हो गया है, जबकि कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब, KPK, बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी बढ़ने से गैस गायब हो गई है, जिससे सार्फिन को शदीद मुश्किल का सामना है। सोई गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी के बायस खाना पकाने में परेशानी हो रही है और सार्फिन बिलों की अदायगी के बावजूद लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। कराची में भी गैस का बहरान शदीद हो गया है। घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर को गैस की किल्लत के बायस दुश्वारी का सामना है। घरेलू सार्फिन की तलब पूरी करने के लिए सिंध भर में CNG स्टेशन गुज़श्ता 5 दिन से बंद हैं। सुई गैस कंपनी ने ऐलान किया था कि पीर की सुबह 8 बजे तमाम CNG स्टेशन खोल दिए जाएंगे, तहम पीर को भी स्टेशन बंद रखने का फैसला किया गया है। आज सुबह 8 बजे से अगले 24 घंटे तक गैस की तरसील मुअत्तल रहेगी। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी शदीद सर्दी के मौसम में सुई गैस के कम प्रेशर और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात में काफी हद तक इजाफा कर दिया है। पेशावर से दीन मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए।
ملک کے دیگر شہروں کی طرح صوبائی دارالحکومت پشاور میں بھی سوئی گیس کے لو پریشر اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اندرون شہر اور ملحقہ علاقوں میں گیس کے لو پریشر کے باعث گھریلو صارفین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ سوئی گیس کی جانب سے شہر بھر کے سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی سپلائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گیس کے لو پریشر کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ ہم آپ کو شکریہ کہتے ہیں روز ٹی وی کا کہ اس مسئلے کو آپ اجاگر کر رہے ہیں۔ مین مسئلہ جو ہے یہاں پر جو ہے نا گیس کا، یہ جتنے بھی پیٹرول پمپوں کو یہ گیس سپلائی ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ہمارے یہاں پر گیس کا مسئلہ بنا ہوا ہے بہت زیادہ۔ پہلے حکومت ظالم تھی، جابر تھی، یا ان کی بدولت وہ چور تھے، یہ تو ابھی چور بھی نہیں، ڈاکو بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی ہمارے یہاں گیس کا مسئلہ ہے، جبکہ گیس بھی ہمارے صوبے کے پیداوار ہے۔ صبح بھی میرے ساتھ بیوی نے جھگڑا کیا کہ سلینڈر بھر کر لاؤ، تو سلینڈر مہنگا پڑ رہا ہے، گھر کی جو گیس ہے وہ مجھے سستی پڑ رہی ہے، لیکن صبح سے ہمارا یہی طریقہ ہے۔ یہ سی این جی والوں کو گیس دے رہے ہیں، لیکن لوکل جو عوام ہیں ان کو پریشان کیے ہوئے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کرو، صبر کے بعد ہماری وہ نقصان مل رہا ہے، ہمیں تو کیسے برداشت کریں گے، کب تک برداشت کریں گے؟ سوئی گیس کے لو پریشر کے باعث نانبائی، سلینڈر گیس اور زیادہ تر علاقوں میں لوگ لکڑیاں جلا کر کام چلاتے ہیں، فائن گیس استعمال کرتے ہیں، لکڑیاں ڈالتے تندور میں، اس کے باوجود بھی پھر مطلب ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر اتنے لوگ آتے ہیں روٹی لینے کے لیے، وہ گیس نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے ہم پھر مطلب سنگل روٹی سے ڈبل روٹی بنا کر ہم بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سوئی گیس کے لو پریشر اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ فوری حل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے سے گریز کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ کیمرامین سید شہزاد کاظمی کے ساتھ دین محمد، روز نیوز، پشاور۔ ہنرمند پاکستانیوں کی جاپان میں کام کرنے کی راہ ہموار، جاپان اور پاکستان کے مابین ہنرمند افرادی قوت کے اصول کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستانی جاپان میں 14 مختلف شعبوں میں کام کر سکیں گے۔ مفاہمتی یادداشت میں جاپان میں کام کرنے کی خواہش مند پاکستانیوں کے لیے سیلڈ ویزا کیٹیگری متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپانی زبان کے 3 سے 6 ماہ دورانی کے کورس بھی کروائے جائیں گے۔ جاپان پاکستان میں لینگویج یونیورسٹی کے ساتھ ایک نیٹ ورک تیار کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ہنرمند پاکستانیوں کی جاپان میں کام کرنے کی راہ ہموار، جاپان اور پاکستان کے مابین ہنرمند افرادی قوت کے حصول کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ منسہرہ سے آپ کو خبر دیں گے، آپ کو بتائیں کہ وابٹا کی انوکھی پالیسی، 5 دکانوں کے لیے ٹرانسفارمر کی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ پالیسی پر عمل نہ کرنے پر بٹل کے تمام بازاروں کے بجلی کنیکشنز کاٹ دیے گئے۔ بجلی کے کنیکشنز منقطع کرنے پر تاجر برادری سراپا احتجاج ہیں۔ تاجروں نے ایس ڈی او کے خلاف تھانہ بٹل میں درخواست دے دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوئی بقایا جائز نہیں ہے، بجلی کاٹنا غیر قانونی ہے۔ تاجروں کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہمارے پلازے نہیں ہیں، ایک ایک دکان ہے، ٹرانسفارمر کیسے لگائیں؟ ہماری بجلی بحال نہ کی گئی تو احتجاج کر کے شاہراہ ریشم کو بلاک کیا جائے گا۔ مانسہرہ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ مانسہرہ واپٹا کی انوکھی پالیسی، 5 دکانوں کے لیے ٹرانسفارمر کی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ پالیسی پر عمل نہ کرنے پر بٹل کے تمام بازاروں کے بجلی کنیکشنز کاٹ دیے گئے ہیں۔ اور اب ایک نظر عالمی منظرنامے پر۔ سعودی عرب کے متعدد شہروں میں موسلادھار بارش، جبکہ بیشتر علاقوں میں بارش کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا ہے اور اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں طائف اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سب سے زیادہ بارش البہا میں ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں صحرا پانی سے بھر گیا اور بارش کے پانی نے سیلابی صورتحال اختیار کر لی ہے، مقامی انتظامیہ حفاظتی اقدامات کر رہی ہے، تاہم اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ آئندہ چند روز میں مکہ مکرمہ، دارالحکومت ریاض سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، ساتھ رہیے۔